लोकसभा चुनाव 2019 करण, जी हां, प्रदेश में दूसरे चरण के लिए प्रचार का अंतिम दिन है आज। प्रदेश में प्रचार के अंतिम दिन स्टार प्रचारक करेंगे रोड शो। राजधानी के झोटवाड़ा इलाके में सनी देओल करेंगे रोड शो। भाजपा के स्टार प्रचारक हैं अभिनेता सनी देओल, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के समर्थन में रोड शो करेंगे। जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। आपको बता दें कि राजधानी के झोटवाड़ा इलाके में आज सनी देओल रोड शो करने वाले हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक हैं अभिनेता सनी देओल और राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में ये रोड शो करेंगे। जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। आपको बता दें कि इनका मुकाबला कांग्रेस की कृष्णा पूनिया से होना है। लोकसभा चुनाव 2019 का रण आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में दूसरे चरण के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है और इसी के मद्देनजर प्रदेश में प्रचार के अंतिम दिन स्टार प्रचारक आज रोड शो करने वाले हैं। सनी देओल आज राजधानी के झोटवाड़ा इलाके में रोड शो करेंगे और ये रोड शो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थन में होगा। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी पिंटू, बताएं आज सनी देओल रोड शो करने वाले हैं। देखिए लविना, आज राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दिन और अंतिम दिन में दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार की पूरी ताकत छोड़ दी। अगर भाजपा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में दो रोड शो होने जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ी देर में रोड शो शुरू हो रहा है जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अपने प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र गोरा उनके समर्थन में रोड शो करेंगे। गोविंद देव जी मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद पूरी चार दीवारी में रोड शो करते हुए चांदपुर हनुमान मंदिर में जाकर रोड शो का समापन होगा। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भाजपा प्रत्याशी है, उनके समर्थन में एक रोड शो होगा। जो फिल्म अभिनेता है सनी देओल और गुरदासपुर से भाजपा के प्रत्याशी है वो रोड शो करेंगे और उस दौरान भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पर मौजूद रहेगी और हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अभी ये कहीं ना कहीं जो आज अंतिम दिन है, क्योंकि शाम 5 बजे बाद में आचार संहिता लग जाएगी और इस दौरान आज दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है ज्यादा से ज्यादा जनता को लुभाने के लिए। लेकिन सनी देओल की अगर बात की जाए लेना, तो सनी देओल ने जब पहले चरण में अजमेर और बाड़मेर में जब रोड शो किया था, उसके बाद में भाजपा प्रत्याशियों में सनी देओल की मांग काफी बढ़ गई थी और उसके बाद में आज सनी देओल ने चुरू में भी रोड शो किया, झुंझुनू में भी रोड शो किया और जयपुर ग्रामीण में आज उनका रोड शो होगा। जो चित्रकूट वैशाली है वहां से लेकर हाथों तक रोड शो होगा और भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन राठौड़ के लिए वो वोट की अपील करेंगे। जी लविना। जी पिंटू, ये बताएं कि सनी देओल का जो रोड शो है वो कितना लंबा होने वाला है, क्या कुछ सीमा इसकी तय की गई है? देखिए जगह जगह पर उनका स्वागत होगा, क्योंकि चित्रकूट है जो वैशाली में आता है वहां से रोड शो शुरू होगा और कालवा रोड पर जो हाथोज है करीब 10 से 15 किलोमीटर के बीच में एरिया है जहां तक विभिन्न जो व्यापारिक संगठन है वो वहां पर रोड शो का स्वागत करेंगे, राज्यवर्धन का स्वागत करेंगे और सनी देओल सभी जो लोग हैं उनसे भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे। सनी देओल एक बड़े फिल्म अभिनेता है, जाने माने चेहरे और भाजपा से प्रत्याशी भी है गुरदासपुर पंजाब से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले चरण में जब उन्होंने दो रोड शो किए थे उसके बाद में काफी डिमांड यहाँ पर बढ़ गई थी भाजपा प्रत्याशियों में, तो कहीं ना कहीं तमाम श्रमिकों को साधने के लिए, क्योंकि हमारे जितने चुनाव होते हैं उनमें अभिनेताओं का काफी फर्क होता है, हर पार्टी के चार प्रचारक होते हैं, तो सनी देओल कितना लुभा पाते हैं और भाजपा को कितना फायदा होगा, शायद इसी को देखते हुए भाजपा सनी देओल के यहाँ पर रोड शो करवा रही है। जी पिंटू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।